हेलो एवरी ऑल माय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एम ए आजाद, आप सबका मेरे आजाद होम्योपैथी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज जो मैं मेडिसिन बताने जा रहा हूं, जिस डिजीज के बारे में मेडिसिन बताने जा रहा हूं, वह है एड़ी के दर्द के बारे में, पेन हील के बारे में। एड़ी का दर्द बहुत अधिक महिलाओं में इस डिजीज को देखी जाती है, बहुत अधिक महिलाओं में यह डिजीज पाया जाता है, यह डिजीज जेंस में भी पाया जाता है। एड़ी का दर्द अक्सर महिलाएं रात में सोती है और जगने के बाद सवेरे जब जमीन पर पैर रखती है तो एड़ी में दर्द असहनीय या हल्का या किसी भी प्रकार का हो सकता है। ऐसा दर्द अगर किसी महिलाओं को है तो घबराने की बात नहीं, या किसी जेंट्स को है तो घबराने की बात नहीं। तो साथियों, चलिए हमारे साथ शुरू से अंत तक आप अवश्य बने रहे। आज मैं आपको पेन हील के बारे में बताने जा रहा हूं। एड़ी का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। साथियों, आप जो हमारे साथ इस वीडियो पर बने हैं, शुरू से अंत तक अवश्य बने रहे। आज जो मैं बताने जा रहा हूं, इसका मुख्य लक्षण और किस कारण से, किस वजह से या कौन सी दवाई इसमें चलेगी, मैं सारी बातों को बताने जा रहा हूं। साथियों, आप हमारे साथ अवश्य धैर्य पूर्वक बने रहे। पेन हील या एड़ी का दर्द, इनका मुख्य लक्षण यह होता है कि अक्सर जब महिलाएं चलती है जमीन पर, उबड़ खाबड़ जमीन पर या पत्थर या कोई कड़ा वस्तु उनके पैर के नीचे, तलवे के नीचे, हील के नीचे पड़ जाने के वजह से उन्हें चोट आ जाती है, उन्हें पता भी नहीं चलता और उन्हें यह दर्द हो जाता है। जमीन पर चलते समय कहीं उबड़ खाबड़ जमीन होती है, पैर उनका रखने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो जाए, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ में पैर पड़ जाने से हील में दर्द हो जाती है, या पत्थर या कड़ा वस्तु उनके पैर के नीचे आ जाने से अचानक उनके पैर में, हील में वो पड़ जाने से उनके हील में दर्द कर देता है। इनका और वजह है, एक वजह है एड़ी में अगर चोट लग जाए किसी वजह से तो फिर पेन हील हो जाता है, ये हील में दर्द हो जाता है, एड़ी में दर्द हो जाता है। और इनका वजह होता है, बहुत सारे वजह है। एड़ी की जो बॉन होता है वह बॉन धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगता है, अगर बॉन बढ़ने लगे तो फिर एड़ी में असहनीय दर्द महसूस करना पड़ता है। ऐसे लक्षण में, ऐसे डिजीज में आपको मैं मेडिसिन बताने जा रहा हूं, आप इस मेडिसिन को चलाएं, बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। साथियों, सर्वप्रथम जो मैं मेडिसिन बताने जा रहा हूं, इस मेडिसिन का नाम है एमोनियम मयूर 200 CH। इस दवाई को 5 बूंद 3 टाइम खानी है। एमोनियम मयूर बहुत ही अच्छी दवाई होती है एड़ी दर्द की, इसको आप चलाएं। दूसरी दवाई जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही अच्छी दवाई है, चाहे चोट लगने से, मोचल आने से या किसी भी प्रकार से दर्द हो, आप जानते हैं मैं पहले भी बता चुका हूं, अर्निका माउंटेन 200 CH, ये बहुत अच्छी दवाई होती है। किसी भी प्रकार का एड़ी में दर्द हो जाए आप इस दवाई को जरूर चलाएं, 5 बूंद 3 टाइम खानी है। साथियों, और जो दवाई मैं बताने जा रहा हूं, दो दवाई को मिलाकर आपको बनानी है। इस दो दवाई को आप 30 ml के सीसी में आप खरीदें, किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन पर जाकर, रस्टॉक्स, रस्टॉक्स 200 CH, और दूसरी दवाई रूटाजी, रूटाजी 200 CH। इन दोनों दवाइयों को एक में मिला लें 30 ml के सीसी में और 5 बूंद 3 टाइम यूज करें। दवाई कड़वी होती है, आप आधे कप पानी में इन दवाइयों को डालकर यूज कर सकते हैं, 5 बूंद 3 टाइम खानी है। और कुछ महिलाएं कहती है कि एड़ी की हड्डी बढ़ रही है जिसके वजह से यह दर्द हो रही है, तो आप इनके साथ एक दवाई और चलाएं,
कल्केरिया फ्लोरिका टैबलेट 6x टैबलेट, कल्केरिया फ्लोरिका 6x टैबलेट यह टैबलेट है, 4 टैबलेट 3 टाइम चूस कर खानी है। साथियों मैं जो भी दवाई बता रहा हूँ बहुत अच्छी दवाई बता रहा हूँ, आप इन्हें यूज करें। अगर दर्द से बहुत दिनों से परेशान है, चाहे नया दर्द हो, एड़ी का नया दर्द हो, एड़ी का पुराना दर्द हो, या बहुत दिनों से बना हुआ हो, आप इस दवाई को चलाएं, बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। मैं बहुत सारे पेशेंट को मैं ठीक किया हूं, ठीक होने में 3 महीने लगते हैं, कुछ पेशेंट तो 4 महीने भी टाइम लग गए, किसी किसी पेशेंट को ठीक करने में 7 से 8 महीने भी लग गए, लेकिन आपको लाभ 15 दिन में मिलने लगेगा। आप 15 ही दिन में आप स्वस्थ होने लगेंगे, लेकिन इस दवाइयों को 3 से 4 महीने तक चलानी है। मैं एक पेशेंट को चलाया जो कि 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने फिर दूसरे पेशेंट को चलाया, उन्हें 5 से 6 महीने लग गए। मैंने और एक पेशेंट को चलाया, 7 से 8 महीने लग गए, लेकिन बिल्कुल स्वस्थ हो गया। घबराने की बात नहीं, यह ठीक होने वाली चीज है। आप हमारे बताए हुए दवाई को चलाएं, आप स्वस्थ होने लगेंगे। लाभ तो 15 दिन में ही होने लगेगा। मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे दूंगा, आप संपर्क कर आप हमसे मदद ले सकते हैं। साथियों मैं जो भी दवाई बता रहा हूं मैं आपके हेल्प के लिए बता रहा हूं। मैं ये चैनल जनहित में मनों के भलाई के लिए चला रहा हूं। अगर मनुष्य खुश है, स्वस्थ है, तो मैं भी खुश हूं। साथियों मैं जो वीडियो बनाता हूं बहुत मेहनत से बनाता हूं और आप तक पहुंचाता हूं। नॉलेजेबल वीडियो बनाते रहता हूं और आप तक पहुंचाते रहता हूं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथियों में शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं। बहुत सारे साथी हमारे बहुत दूर दूर के हैं जिन्हें मैं जानता भी नहीं, स्वस्थ हो रहे हैं, धन्यवाद भेज रहे हैं। कुछ साथी तो हमें गिफ्ट में सामान भी भेज रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं कि साथियों हमें नहीं भेजा, आप स्वस्थ हो रहे हैं, आप कमेंट के माध्यम से हमें कर दें, मैं खुश हो जाऊंगा। कुछ साथी हमें कहते हैं डॉक्टर साहब आप फीस क्या रखे हैं, मैं आपको पैसे यहां से भेज दूंगा। मैं कहता हूं कि वीडियो के माध्यम से मैं जिन्हें भी बता रहा हूं दवाई, उनसे मैं कोई फीस नहीं लेता, मैं जनसेवा के लिए भेज रहा हूं। अगर आप स्वस्थ हो रहे हैं तो मैं खुश हूं, आप हमें धन्यवाद कर दें, बस मैं खुश हूं। साथियों हमारे चैनल को आप और सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। और मैं दवाई फिर बता रहा हूं और दवाई मैं स्क्रीन के दाएं साइड लिख दूंगा, आप स्क्रीन शॉट निकाल लेंगे, किसी भी होम्योपैथ मेडिकल पर जाएं आपको सारी दवाई मिल जाएगी। आप SBL कंपनी की दवाई खरीदें, 30 ml में खरीदें। मैं आपको सर्वप्रथम जो दवाई बताया एमोनियम मयूर 200 CH, इतनी बड़ी बोतल में आपको नहीं लेनी है, 30 ml SBL कंपनी में खरीदनी है, 5 बूंद 3 टाइम खानी है। दूसरी दवाई जो मैंने बताया अर्निका माउंटेन 200 CH, 5 बूंद 3 टाइम खानी है, इतनी बड़ी बोतल नहीं खरीदनी है, 30 ml की SBL की कंपनी की खरीदनी है। आप वीजा कंपनी की भी खरीद सकते हैं, आप किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं, सारी दवाइयां काम करती है। तीसरी दवाई जो मैंने बताया कि दो दवाइयों को एक साथ मिलाकर आपको कॉम्बिनेशन बना लेनी है, रस्टॉक्स और रूटाजी दोनों को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बनाकर 5 बूंद 3 टाइम खानी है। चौथी दवाई जो मैंने बताया आपको यह टैबलेट है कल्केरिया फ्लोरिका, कल्केरिया फ्लोर भी कहा जाता है, टैबलेट 6x 4 गोली 3 टाइम आपको खानी है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। चाहे एड़ी का दर्द किसी भी प्रकार का हो, बोन बढ़ने की वजह से हो, चोट लगने की वजह से हो, या जमीन पर ऊंच नीच पैर रखने से हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, आप घबराए नहीं, इन सारी दवाइयों को चलानी है। ऐसा नहीं कि मैंने एक दवाई को छोड़ दिया। पैर में चोट लगने के बाद एड़ी के तरफ जो हड्डी होती है, जो बोन होता है, वो सूजन आ जाता है और बढ़ जाता है, उसे कंट्रोल करने में यह दवाई सक्षम है और फिर आपको यह स्वस्थ कर देगी। साथियों इन दवाइयों को जो आप खरीदेंगे 30 ml में और आप इन्हें चलाएंगे,
अगर किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हो मैं अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, आप हमसे संपर्क करें। यह व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पर भी लिख करके भेज सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आप कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट करें। बहुत से साथी हमारे स्वस्थ हो चुके हैं। आप आजाद होम्योपैथिक चैनल लिखकर यूट्यूब में सर्च करें, बहुत सारे डिजीज के बारे में मैं दवाई मेडिसिन लिखकर डाला हूं, आप उन्हें यूज करें और स्वस्थ हो जाएंगे। साथियों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों फिर मिलूंगा। धन्यवाद।